दिन माता वैष्णो देवी मंदिर में बेहद दुखद दुर्घटना हुई है। जी हां, मंदिर परिसर में मची भगदड़ में 12 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बताएं, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया है कि वह माता वैष्णो देवी तीर्थ पर त्रासदी से उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए तुरंत कटरा के लिए रवाना होंगे। भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए और घायलों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस दुर्घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने शोक जताया है। वहीं राष्ट्रपति ने भी इस दुर्घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि ये जानकर बहुत दुख हुआ कि माता वैष्णो देवी भवन में एक दुर्भाग्यपूर्ण भगदड़ में भक्तों की जान चली गई। साल 2022 आने के साथ ही देश में ATM से पैसा निकालना, बैंक लॉकर और EPF कंट्रीब्यूशन से जुड़े नियमों में किए गए बदलावों को भी लागू कर दिया गया है। फ्री ट्रांजैक्शन के बाद ATM से पैसा निकालने पर लगने वाले चार्ज को भी बढ़ा दिया गया है। बैंक लॉकर को लेकर बैंकों की जिम्मेदारी को भी बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही EPF कंट्रीब्यूशन के लिए खाता धारकों का आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बताएं, RBI ने 10 जून 2021 को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसके अनुसार 1 जनवरी 2022 से बैंकों को मासिक मुफ्त ATM निकासी सीमा के बाद प्रत्येक लेन देन पर ग्राहकों से 20 रुपए के बजाय 21 रुपए चार्ज लेने की अनुमति देने की बात कही गई थी। ऐसे में आज से ये लागू हो रहा है, लेकिन ग्राहक अपने खुद के बैंक ATM से 5 निःशुल्क ATM निकासी सीमा और अन्य बैंक ATM से 3 निःशुल्क ATM निकासी सीमा का लाभ उठाना जारी रख सकते हैं। दिल्ली लगातार दूसरे दिन भी शीतलहर की चपेट में रही। सफदरजंग मौसम केंद्र में सुबह के समय न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री कम है। हालांकि दिन के समय निकली धूप ने थोड़ी राहत दी। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी 2 दिन और लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। वहीं दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में शुक्रवार सुबह के समय हल्का कोहरा देखने को मिला, जबकि दिन चढ़ने के साथ ही धुंध साफ हो गई और तेज चमकदार सूरज निकल आया। दिन के समय भी खिली हुई धूप निकली रही। इसके चलते दिन के तापमान में इजाफा हो गया, जबकि न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र में अधिकतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि इस सीजन का सामान्य तापमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री कम है। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिनों के बीच ठंड बढ़ सकती है। इसके चलते दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। अगले 2 दिनों के बीच सुबह के समय हल्का कोहरा भी देखने को मिलेगा, जबकि दिन के समय आसमान साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी। ओमिक्रॉन के बाद से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते दिखे हैं। शुक्रवार को कोरोना के 1700 से अधिक नए मरीज मिले हैं। मई महीने के बाद कोरोना के इतने मामले एक दिन में सामने आए हैं। आपको बताएं, कोरोना मामलों में बढ़ोतरी के चलते संक्रमण दर 2% के पार हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि मौत का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। वहीं ऑक्सीजन सपोर्ट पर मरीजों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती दिखी है। आपको बताएं, कोरोना के मामलों में वृद्धि होने से दिल्ली में कोरोना के सक्रिय मरीज भी तेजी से बढ़ते दिखे हैं। जून महीने के बाद दिल्ली में कोरोना के सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 4410 को छू चुका है। वहीं होम आइसोलेशन में कोरोना के 2280 से ज्यादा मरीजों का उपचार जारी है, जबकि अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए 226 मरीज भर्ती हैं। इसके अलावा कोविड केयर सेंटर में 145 से ज्यादा और कोविड हेल्थ सेंटर में एक भी मरीज नहीं है। सरकार ने बढ़ते प्रदूषण और लोगों की परिवहन की समस्या को देखते हुए 700 से अधिक निजी CNG बसें चलाने का फैसला लिया है। जी हां, दिल्ली परिवहन आयुक्त के निर्देश के मुताबिक चरणबद्ध तरीके से ये बसें शनिवार से सड़कों पर उतर रही हैं। दोपहर तक इसका असर देखने को मिल जाएगा। ये वही बस सेवा है जो प्रदूषण की समस्या बढ़ने पर पर्यावरण बस सेवा के नाम से 1 महीने के लिए 24 नवंबर से सड़कों पर उतारी गई थी, लेकिन 1 महीना पूरे होने पर इन्हें सड़कों से हटा दिया गया था। अब ये बसें 1 जनवरी से दोबारा सड़कों पर आएंगी और 31 जनवरी तक विभिन्न रूटों पर चलेंगी। इन बसों पर पर्यावरण बस सेवा
साल लिखा होगा और लोग डीटीसी की सुविधाओं के साथ इनमें सफर कर सकेंगे। आपको बताएं, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर इन बसों को चलाने की अवधि 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इससे दिल्ली वासियों की परिवहन संबंधी परेशानी दूर होगी। गौरतलब है कि इन बसों का किराया उसी आधार पर जारी रहेगा जो नवम्बर में इन्हें सड़कों पर उतारे जाने के वक्त तय किया गया था, यानी इन बसों का किराया डीटीसी की बसों के समान ही होगा। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।